एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। गाइस आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। गाइस अगर आपने मेरी पिछली वीडियो चैप्टर 5 की नहीं देखी है तो आप हमारी यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हो। तो गाइस हमारे यूट्यूब चैनल पर जितने भी फिजिक्स के चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिव, उसके बाद शार्ट, उसके आंसर, न्यूमेरिकल्स, लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन सभी कराए जा रहे हैं। अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए इसमें दे रखा है जो पहला क्वेश्चन वह है प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है। दे रखा है ऑप्शन लेंज के नियम द्वारा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा, बायो सेवर्ट के नियम द्वारा, एम्पियर के नियम के द्वारा। तो जो प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता चलता है वो लेंज के नियम के द्वारा पता चलता है। ठीक है, जो लेंज के नियम में वैद्युत प्रेरित धारा की दिशा होती वही प्रेरित वैद्युत धारा की भी दिशा होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, दे रखा है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। तो लेंज का नियम जैसे ऊर्जा संरक्षण होता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो तीसरा वो क्या है, करेक्ट आंसर है। इसके बाद गाइस एक क्वेश्चन और है जो कि दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी की प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा होगी, यानी कि जो जो दे रखा है पहले उसको हम लिख देंगे। प्रतिरोध दे रखा है R बराबर 10 ओम, फिर इसके बाद ये दे रखा है हेनरी, हेनरी किसका मात्रक है, प्रेरकत्व का, तो L बराबर 10 हेनरी ये दे रखा है। और इसके बाद देखते हैं कुछ दे रखा है, हाँ एक वोल्ट दे रखा है, वी की वैल्यू 50 वोल्ट ये दे रखा है। अब हमें पूछ रखा है कि कुंडली में संचित ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके लिए सूत्र होता है ऊर्जा का, यू बराबर हाफ एल आई का स्क्वायर। अब इसमें आई दिया ही नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे। तो गाइस इसके लिए हम जानते हैं कि आई बराबर होता है वी बाई आर। ठीक है, ओम का नियम वी बराबर आई इंटू आर। तो आई निकालेंगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर। जैसा कि हम जानते हैं ओम का नियम क्या था, वी बराबर आई इंटू आर। तो अगर यहाँ से आई की वैल्यू हम काउंट करें तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी बाई आर। तो यही किया हमने। अब देखते हैं हम वी की वैल्यू क्या है। ठीक है, वी की वैल्यू कितना दिया, 50 वोल्ट, यहाँ भी पुट कर देंगे 50 वोल्ट। अब इसके बाद दे रखा है आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कितना दे रखा है, 10 ओम, 10 ओम पुट किया, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बचा, केवल 5 है। तो आई की भी वैल्यू हमें निकल गई कितना, आई बराबर 5 एम्पियर, ये हो गया। तो देखिए गाइस अब ये बहुत आसानी से निकल सकता है, यू बराबर हाफ यानी 1/2, एल की वैल्यू कितना है 10 हेनरी, 10 गुणते आई की वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर ये तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 है ही है और 10 है, तो ये हो जाएगा 10 × 5 का वर्क करेंगे तो 5 × 5 = 25/2। तो ये 2 से अब 25 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 250, 25 का 10 में किए तो 250 और 2/2 है, तो 2 से 250 को काटेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 1 बचा तो यहाँ पे 2 × 5 = 10, तो ये हो जाएगा 125 ऊर्जा का मात्रक जूल। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला ऑप्शन है 125 जूल, दूसरा है 6 62.5 जूल, 250 जूल, 500 जूल। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या है, करेक्ट आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एल बाई आर की बीमा होगी जहाँ एल प्रेरकत्व तथा आर प्रतिरोध है। तो देखिए गाइस इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप जानते हैं जो प्रेरकत्व है, प्रेरकत्व का मान हम यहाँ पे आपको दिखा दे रहे हैं, एल जो है एल बाई आर दिया है। ठीक है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट इंटू एल का मात्रक हम कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ से ई बराबर होता है एल डी आई बाई डी टी, ये होता है ई बराबर एल डी आई बाई डी टी। अब हमें निकालना क्या है, एल निकालना है। ठीक है, तो एल हम निकालेंगे तो एल बराबर क्या होगा, एल है और ये क्या है, ये इस पर आएगा तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जो भाग में वो गुणा में हो जाएगा, जो गुणा में वो भाग में हो जाएगा। ई अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर डी टी अपान ये डी आई हो जाएगा।
इसका मात्रक हम यहाँ से निकाल लिए। देखिए मात्रक निकालना सीखिए, याद मत करिए आप लोग, इसी तरह से निकालिए कि अगर इसकी वैल्यू यहाँ से है तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ई जो है वो क्या हो गया, ई का मात्रक, ई क्या है वोल्ट, विद्युत वाहक बल, इसका मात्रक वोल्ट। और टी क्या है समय, समय का मात्रक सेकेंड। और इसके बाद आई क्या है एम्पियर का धारा है, धारा का मात्रक एम्पियर। अब इसके बाद है देखिए यहाँ पे आर है, ठीक है आर मतलब इसका मात्रक प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक ओम, ओम हो गया। अब देखिए आर बराबर होता है, आर बराबर होता है वी बाई आई, ठीक है आर बराबर क्या होता है वी बाई आई, जैसे कि अब ओम के नियम से आर बराबर वी बाई आई। तो बोल्ट वी का मतलब क्या है, ये बोल्ट है, और आई क्या है धारा है एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर। तो यहाँ से बोल्ट पर एम्पियर को क्या लिख सकते हैं ओम, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ओम और इसके साथ क्या है सेकेंड, सेकेंड, और नीचे क्या है प्रतिरोध का मात्रक ओम। तो ओम से ओम क्या हो जाएगा कट जाएगा, आया क्या सेकेंड, सेकेंड मतलब सेकेंड का जो बीमा होता है वो केवल टी होता है, ठीक है। तो इसको हम सजावटी रूप में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखिए एम के पावर जीरो, एल के पावर जीरो, टी, ठीक है एम के पावर जीरो तो इसकी वैल्यू वन, टी के पावर, एल के पावर जीरो तो इसकी वैल्यू वन, टी, टी पे कुछ नहीं है। देखिए जिस भी संख्या के ऊपर के पावर जीरो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है वन होती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वन हो जाएगी और इसका मात्रक टी होगा। तो ऐसा ऑप्शन देखते हैं कि नहीं, एम जीरो एल जीरो टी पे माइनस वन, एम जीरो एल टी, एम जीरो एल जीरो टी, एम एल टी पे माइनस टू। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या है करेक्ट, एम जीरो एल जीरो टी। अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं गाइस, तो नेक्स्ट हमारा दे रखा है हेनरी पर मीटर का मात्रक है, हेनरी पर मीटर किसका मात्रक है, ये मात्रक है चुंबकशीलता म्यू नॉट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, और देखिए ये सब जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, मॉडल पेपर में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, और मॉडल पेपर से मैं इसको छाट कर लाया हूँ, जो कि मैं देखा कि लगभग एकाक ही पेपर में गैप था, नहीं तो अदरवाइज ये सब जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे सब आए हुए थे। लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें से क्या सत्य है, तो देखिए जो यह है लेंज, लेंज के वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स प्रेरण के नियमानुसार इनमें क्या सत्य है, ऊर्जा का संरक्षण क्या है इसमें सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो न्यूमेरिकल है, वो बहुत ही मस्त न्यूमेरिकल है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आया हुआ है। एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में एक सेकंड में एक वेबर से, एक सेकंड में एक वेबर से घटकर जीरो में एक वेबर हो जाता है, कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बताइए। देखिए टी बराबर दे रखा है एक सेकंड, ठीक है, और दे रखा है फ्लक्स की वैल्यू दिया है, तो देखिए ये फाई वन है, फाई वन बराबर एक वेबर, और फाई टू बराबर ये फाई टू है 0.1, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करेंगे क्या कि हमको सूत्र पता है क्या, इसमें पूछ क्या रखा है विद्युत वाहक बल ई बराबर क्वेश्चन मार्क, तो ई बराबर होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ये होता है। तो देखिएगा जब ये चीज़ हमको पता चल गया तो हमको यहाँ देख रहे हैं कि जिस फाई की वैल्यू हमें नहीं पता है, तो फाई की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। देखिए फाई बराबर होता है, ये फाई बराबर अब डी फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन, फाई टू की वैल्यू क्या है, फाई टू की वैल्यू 0.1 है, ये हो जाएगा आपका 0.1 माइनस फाई वन की वैल्यू 1 है। तो देखिए यहाँ से डी फाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी क्या, एक में से 0.1 गया तो बचेगा आपका माइनस 0.9, दो विपरीत चिन्ह होते हैं आपस में घट जाते हैं, चिन्ह उसका लिखते हैं जो संख्या बड़ी होती है, तो बड़ी इसमें एक है, तो 0.9 आ गया किसका डी फाई की वैल्यू। अब हमको सूत्र क्या है, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी, तो आपका ई बराबर हो जाएगा माइनस डी फाई बाई डी टी, डी फाई की वैल्यू कितना आ गई आपका जीरो, ये चीज़ जो होती है माइनस 0.9, तो ये हो गया माइनस दिया है सूत्र का, फिर फाई की वैल्यू क्या है माइनस 0.9 अपान डी टी की वैल्यू, सेकेंड कितना दिया टी की वैल्यू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड,
तो देखिए यहाँ से ये माइनस और माइनस मिलकर क्या आ जाएंगे प्लस, तो 0.9 बटे के एक, तो क्या आ जाएगा केवल 0.9, एक का भाग देंगे तो इतना ही आएगा, तो ये वोल्ट होगा। ठीक है, ये विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट है। देखिए दे रखा है 9 वोल्ट, 90 वोल्ट, 0.9 वोल्ट, 0.09 वोल्ट, तो हमारा क्या है 0.9 वोल्ट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर इसका। अब देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक कुंडली के लिए स्वप्रेरकत 2 मिली हेनरी, उनमें वैद्युत प्रवाह की दर 10³ एम्पियर सेकेंड है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। दे रखा क्या है, जल दे रखा है, स्वप्रेरकत 2 मिली हेनरी। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए इसको 2 मिली हेनरी ये दे रखा है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और इसमें क्या दे रखा है, DI/DT की वैल्यू दे रखा है, DI/DT की वैल्यू 10³ एम्पियर। ये I है, I और ये T है, तो T हो गया, ये हो गया। अब इसमें पूछ रखा प्रेरित विद्युत वाहक बल, E बराबर क्या पूछ रखा, E बराबर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा E बराबर होता है LdI/dt। ठीक है, तो ये देखिए 2 मिली हेनरी है। ठीक है, इसको हम किस में बदलेंगे, केवल हेनरी में, तो हेनरी में हम बदलेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, देखिए L बराबर 2 मिली हेनरी, अब L बराबर 1 हेनरी बराबर, तो इसको 2×10⁻³। ठीक है, ये हो गया मिली का मतलब, मिली हेनरी का मतलब कि इसमें 1000 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा किस में, हेनरी में हो जाएगा। तो ये हो गया E बराबर LdI/dt। तो आपको L की वैल्यू पता चल गया और DI/dt की वैल्यू दिया है 10³। अब इसको रख कर हम क्या कर देंगे, निकाल देंगे, तो DI की वैल्यू कितना है 10³, सॉरी यहाँ से LdI/dt, L की वैल्यू कितना है 2×10⁻³, तो हो जाएगा 2×10⁻³। DI/dt की वैल्यू कितना दिया 10³, 10³। तो 10³ से 10³ कट जाएगा क्योंकि प्लस और ये माइनस है। अब बचा क्या आपका, E बराबर 2 वोल्ट, E बराबर क्या आ गया 2 वोल्ट, यहाँ पे दे रखा 1 वोल्ट, 5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, दूसरा, तीसरा सही है। अब इसमें दे रखा प्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व मतलब L, L का मात्रक पूछ रखा है, तो गाइस L बराबर होता है, सॉरी E बराबर होता है LdI/dt। अब यहाँ से हमको L की वैल्यू निकालनी है, तो हम L निकालेंगे यहाँ से, तो L हो जाएगा ये, और इसको पश्चांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा EdT/dI, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा DT/dI। ठीक है, तो जो E है इसका मात्रक क्या है, वोल्ट है, गुणते टी क्या है आपका समय, समय का मात्रक सेकंड, और इसके बाद आई क्या है धारा, धारा का मात्रक एम्पियर। अब हम जानते हैं गाइस ओम के नियम अनुसार आर बराबर V/I, वोल्ट पर एम्पियर, इसको क्या हम लिख सकते हैं आर, आर इसका मात्रक ओम, ये हो जाएगा आपका ओम, और ये क्या है सेकंड, ओम सेकंड, देखते हैं इसमें ऑप्शन है, ओम सेकंड, ओम पर सेकंड, सेकंड पर ओम, 1/2 ओम सेकंड, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के आल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।